नमस्कार, मैं प्रताप सिंह आजाद। आप देख रहे हैं जनबाद टाइम, सच के साथ एक कदम। आज आगरा बागराचोर में गंदगी का लगा अंबार, जहां नगर निगम से कई बार लोगों ने शिकायत की, लेकिन नगर निगम दिखा रहा है स्वच्छता अभियान को ठेंगा। मैं प्रताप सिंह आजाद, जनबाद टाइम से आसिफ हुसैन के साथ। बंटी शर्मा, ये परेशानी सालों से है, लेकिन नगर निगम वाला कोई नहीं। वो जो रवि है ना, वो बिल्कुल सुनाई नहीं करता, ना तो यहाँ झाड़ू लगवाता है, ना आधा आधा कूड़ा उठता है, और सब दरवाजों पे कूड़ा फैलाता है। इधर मंदिर है, इधर मस्जिद है। अब आप ये बताओ ना, तो कोई रिश्तेदार रखता है, कब्रिस्तान भी है, धर्मस्थल है यहाँ पे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं है। और बच्चे और भी वहाँ पढ़ रहे हैं, जिन्हें कहाँ कहाँ से कूड़ा आके यहाँ पे इकट्ठा होता है, कहो तो और एड दिखाता है। अब बताओ कैसे इस गिरती गंदगी में ये लोग रह लेंगे? नगर निगम वाले कभी नहीं रह सकते, गोबर पड़ा हुआ। यहाँ तक को मैंने नगर निगम के अधिकारी तक को मैंने क्या बोलते हैं खबर करके आई, मगर उसने तक मेरी सुनाई नहीं करी, मेरी कोई सुनाई नहीं करी। बिल्कुल कोई सुनाई नहीं करते हैं ये लोग। हमारा तो रहना दुश्वार हो रखा है यहाँ, और हम पंडित लोग वैसी हैं, ना पूजा कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सामने मंदिर है, लेटरिन हो गए पैर, घर में जाते हैं हमारे। क्या नाम है आपका? सवाना। ये परेशानी कब से है आपको? सालों से। अच्छा, ये कूड़ा वूड़ा उठाने कोई आता है या नहीं आता? आते हैं, आधा पर्दा उठा के ले जाते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।